और आपको बड़ी खबर बता दें, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। मैदानी इलाकों की बात करें तो ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही। शिमला और डोडा की बात करें, भारी बर्फबारी हो रही पहाड़ों पर इस वक्त। स्नोफॉल और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। पहाड़ों से मैदानों की ओर शीतलहर बढ़ते हुए, और ऐसे में देखिए लगातार जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल, उत्तराखंड, ऊंची ऊंची चोटियों पर रुई के फाये गिर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग अपने घरों के बाहर जो बर्फ इस वक्त जमी हुई है उसको हटाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों की बात करें तो इस वक्त तेजी के साथ स्नोफॉल हो रहा है, इसी वजह से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच पर्यटन सीजन को रफ्तार मिलते हुए नजर आ रही है। डोडा और शिमला की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की तस्वीरें और इसके अलावा डोडा से भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जम्मू कश्मीर में जमकर स्नोफॉल हो रहा है और इसी बीच वहाँ पर दूर दूर से जो पर्यटक है वो पहुँच रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है और सबसे बड़ी बात की घाटी इस वक्त कुदरत की नक्काशी से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। शिमला की भी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में भी बर्फ जम चुकी है और ऐसे में वहां के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही है। और इसी बीच मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो फिर मैदानी इलाकों में भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया, यानी कि आने वाले 2-3 दिनों में दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि बर्फ़ से पहाड़ ढक चुके हैं और वहाँ पर इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है और वहाँ के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही है। जाहिर तौर पर जब भी स्नोफॉल होता है तो सड़कें बंद हो जाती है और मुश्किलों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ता है। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर ये है कि पर्यटन सीजन को एक तो रफ्तार मिलती है और दूसरा सेब सीजन, जिन जिन जगहों पर सेब की फसल होती है वहाँ पर सेब सीजन को भी रफ्तार मिलते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्लावरिंग के लिए स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसलिए अब बर्फबारी कहीं ना कहीं राहत लेकर पहाड़ी लोगों के लिए लेकर आई है। लेकिन मैदानों में इस वक्त ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल महिमा, आपने सही कहा और लगातार अपने दर्शकों को वो दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों में ठंड हो रही है और खासतौर पर दिल्ली NCR की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार रात में देर रात में बारिश हो रही है, सुबह भी बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। ऐसे में ठिठुरन बढ़ चुके हैं, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतें अगर इस वक्त किसी को हो रही तो पहाड़ी इलाकों में उन लोगों को जहाँ पर बर्फबारी हो रही है, क्योंकि घर से निकलना और रोज़मर्रा के कुछ काम करने के लिए भी उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आयुषी देखिए, मौसम जहां एक ओर पहाड़ों पर बर्फ का है तो वहीं मैदानी इलाकों पर ठंड बढ़ती जा रही है और खराब मौसम से दिल्ली में आपको बता दें कि विमान सेवा में देरी देखने को मिल रही है। फ्लाइट्स कंटिन्यूसली डिले हो रही है, ट्रेन्स कंटिन्यूसली डिले हो रही है। तो वहीं कोहरे के चलते मैं आपको बता दूं कि रोड पर भी लोगों की रफ्तार अब थम सी गई है। दिल्ली रियाद की बात कर ले, फ्लाइट करीब 8 घंटे लेट। फ्लाइट दोपहर 12:20 पर उड़नी थी, दिल्ली से भर सकती है वो उड़ान, अब 12:20 पर पहले उड़ान भरनी थी। दिल्ली इस्तांबुल फ्लाइट करीब 2 घंटे लेट बताई जा रही है। फ्लाइट सुबह 8:40 पर दिल्ली से उड़ान भर सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट करीब 2 घंटे लेट चल रही है। फ्लाइट सुबह 8:05 पर दिल्ली से उड़ान भर सकती है। दिल्ली श्रीनगर की फ़्लाइट करीब 1.5 घंटा लेट चल रही है। फ्लाइट सुबह 8:15 दिल्ली से उड़ान भर सकती है। दिल्ली धर्मशाला फ़्लाइट करीब 2 घंटे लेट चल रही है। फ़्लाइट धर्मशाला के लिए सुबह 9:00 उड़ान भर सकती है। दिल्ली लेह फ़्लाइट करीब 2 घंटे लेट चल रही है। फ़्लाइट लेह के लिए सुबह 9:15 उड़ान भर सकती है। दिल्ली श्रीनगर फ़्लाइट करीब 2 घंटे लेट चल रही है। तो देखिए, दिल्ली से जितनी भी फ़्लाइटें हैं वो उड़ान भरने में देरी झेलनी पड़ रही है, यात्रियों को भी यातायात काफ़ी हद तक बाधित हो चुका है और ना केवल आपको बता दें फ्लाइट्स बल्कि ट्रेन्स भी डीले हो चुकी हैं।